आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो यस सर। आई शो द एग्जांपल I am creating a table, create table employee salary. The salary जो है अगर वो greater than 100 होगा क्या हुआ? तो सैलरी अगर आपका ग्रेटर देन 100 होगा तो ये आपका सैलरी नहीं लेगा, और बोनस अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बोनस यहाँ पर नहीं लेगा। नाउ आई एम इंसर्टिंग ए रिकर्ड। मैं भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सैलरी वैल्यूज 90 और 5। ये अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो आपका देखिए ये यहां पर इंसर्ट नहीं हो रहा है, चेक कंस्टेंट वैल्यूएशन हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है सैलरी आपका जो है वो ग्रेटर देन 100 होगा इनिशियल इमीडिएट, मतलब इमीडिएटली वो चेक करेगा। उसके बाद देखो पहला वाला कंडीशन ट्रू है, सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स है। अभी हम इंसर्ट करेंगे अगर तो यहाँ पर रिकर इंसर्ट हो गया, लेकिन देखो सेकंड वाला इनकरेक्ट है कि नहीं, -1। यस सर। लेकिन यहाँ पर इंसर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है डेफरेबल इनिशियल डेफर्ड, मतलब इनिशियली डिफर करेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब इनिशियली वो थोड़ा नजरअंदाज करेगा, आपका जो कंस्टेंट है वो नजरअंदाज करेगा। ओके okay? अभी आप देखो इसका रिकॉर्ड है कि नहीं। इतना से थोड़ा दूर तक चले जाएगा देखो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। Now, अगर यहां पर मैं यहां पर यूज करूंगा सेट कॉन्स्टेंट ऑल डिफॉल्ट, ऑल डेफर्ड अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा? देखिए ऑल डेफर्ड करके अगर मैं इनिशियलाइजेशन यहां पर करूंगा, पहला वाला इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा था ना, अभी देखो तो हो गया इंसर्ट। पहले एरर दिखा रहा था, अभी इंसर्ट हो गया। अभी देखो इंसर्ट हुआ। अभी मैं इसको अगर कमिट करता हूं
कॉमिट करेंगे, देखो यहाँ पर एक एरर आएगा, उसके बाद जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था देखो ये है कि नहीं, देखो सारा रिकॉर्ड चला गया। कॉमिट के पहले से आप जो चीज सारा चीज कर सकते हो, लेकिन अगर परमानेंट करना करोगे तो चला जाएगा रिकॉर्ड। ओके
Next example, create table, new employee details, employee ID, employee name, constant, constant name, primary key. किसको primary key define किया? Employee ID को. इसको define किया. इसके बाद हम use करेंगे set when you attempt to defer the primary key constraint, you observe the following error. मैं यहाँ पर primary key define किया, मैं अभी primary key को defer करना चाहता हूँ. तो primary key को अगर defer करोगे तो यहाँ पर कौन सा error आता है देखिए. error आया. तो primary key को आप defer नहीं कर सकते हो, सिर्फ check constraint को defer कर सकते हो. कल का वीडियो नहीं भेजा ना, तो मैं तो सो गया, मतलब हालत नहीं थी. दिन में अपलोड करना मुझे तो क्या हो गया, दिन में टाइम हुआ तो ऑफिस में बैठी बैठी के बात में जब भी टाइम होगा अपलोड लगा के तो ले आपको काम करना है. 10 से 1:30 बजे क्लास, फिर आकर खाकर फिर 3 बजे से क्लास, रात को 10:30 बजे. क्या बोलूं तुमको, बोल रहे हो अगर ऐसा होता है. EMP2 कहाँ गया? देखो और एक टेबल यहाँ पर बना रहे हैं, एक टेबल हम बना रहे हैं, क्रिएट टेबल EMP2 आज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employee. HR.employee का जो स्ट्रक्चर है वो EMP2 में स्टोर हो जाए. ओके, लेकिन HR.employee में आपका एम्प्लॉय ID प्राइमरी की है. जब आप एक टेबल से कॉपी करके कोई दूसरा टेबल बनाते हो सारा डाटा कॉपी हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो कॉपी नहीं होगा. याद रखना, एक टेबल से कॉपी करके पूरा स्ट्रक्चर के साथ अगर आप वैल्यू भी कॉपी करते हो तो सारा चीज कॉपी हो जाता है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट है वो कॉपी नहीं होगा. तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डिस्क्राइब EMP2. एम्प्लॉय ID नंबर से प्राइमरी की नहीं है, अभी मैं इसको प्राइमरी की करूंगा. ऑल्टर टेबल EMP2 मॉडिफाई एम्प्लॉय ID एज अ प्राइमरी की. अभी एम्प्लॉय ID को प्राइमरी की डिफाइन किया, अभी चेक करते हैं. प्राइमरी की नॉट नॉर्म हुआ, अभी देखो नॉट नॉर्म मतलब अभी प्राइमरी की यहां पर एम्प्लॉय ID बन गया. ओके, अभी क्या करना है,
alter table EMP to drop constraint. మేము यहाँ पर और एक कांस्टेंट बना रहे हैं एम्प्लॉय टू में, ऑल्टर टेबल ईएमपी टू आर कांस्टेंट ईएमपी मैनेजर अंडरस्कोर एफके फॉरेन की यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इसको मैनेजर आईडी को फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को, मतलब उसी टेबल में डिफाइन किया। अभी मैं क्या करूंगा, alter table employee to drop constant अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर constant को drop करने के लिए drop command यूज होता है। तुम practice कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बल गया पैर लग गया। ये वाला है ना पानी वाला, इधर लाओ, ये दीदी इधर रख दी थी। Yes, मच्छर कटा इसे गिर गया। और एक टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट वन, क्रिएट टेबल टेस्ट वन कॉलम वन पीके, कॉलम का नाम है कॉलम वन पीके, इसको प्राइमरी की दे दिया, कॉलम टू एफके नंबर, कॉलम वन नंबर, कॉलम टू नंबर, कांस्टेंट एफके कांस्टेंट फॉरेन की, रेफरेंसेस टेस्ट वन, कांस्टेंट सीके वन, चेक इफ सीके वन ग्रेटर देन जीरो एंड कॉलम वन इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, देन कांस्टेंट सीके टू कॉलम टू एफके इज ग्रेटर देन जीरो। ऑल्टर टेबल टेस्ट वन ड्रॉप कॉलम वन पीके, मैं कॉलम वन को ड्रॉप करना चाहता हूँ। कैन नॉट ड्रॉप ए टेबल ओन बाय द सिस्टम, मतलब ये ड्रॉप नहीं होगा, मतलब ये करने से आपका पहले प्राइमरी की को ड्रॉप करना है, उसके बाद फॉरेन की को ड्रॉप करना है, ओके तो मैं दे देता हूँ। पर ये चीज हम इसमें करेंगे, कहाँ गया,
तो इसमें एक यूजर बना देते हैं। ओरेकल 10G में कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फॉफ्टवेयर नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आप खुद यूजर यहां पर बना सकते हो, एडमिन डेटाबेस यूजर, क्रिएट यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर में क्रिएट यूजर बना सकते हैं। क्रिएट यूजर, यूजर का नाम यहां पर दे देते हैं, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो ये रफी क्या कर सकता है, सारा चीज लिंक दे देते हैं, सारा परमिशन दे देते हैं, ईपीए का परमिशन दे देते हैं। आप मैनुअली कमांड लिखकर कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो। यहाँ पर एक टेबल बनाए, क्रिएट टेबल टेस्ट वन, वही टेबल इसके बाद अल्टर टेबल टेस्ट वन ड्रॉप कॉलम पीके। कैन नॉट ड्रॉप पेरेंट की, ओके, अल्टर टेबल टेस्ट ड्रॉप कॉलम वन, कॉलम वन को अगर ड्रॉप करूंगा, कॉलम इज नॉट रेफरेंस इन मल्टी कॉलम कॉन्स्टेंट, मतलब कॉलम वन क्या है, हम कॉन्स्टेंट डिफाइन, मतलब यहाँ पर चेक कॉन्स्टेंट डिफाइन किए कॉलम वन, ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां पर ए स्टेटमेंट यूज करेंगे, टेबल ड्रॉप अल्टर टेबल टेस्ट वन ड्रॉप कॉलम वन पीके कॉलम टू एफ के, एक ही साथ ड्रॉप हो, ओके, ये करने से सारा ड्रॉप हो गई।
उसके बाद और एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल मार्केटिंग, टीम आईडी नंबर, टारगेट टारगेट व्याख्या, कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की, टीम आईडी। टेबल इज क्रिएटेड। हम जो टीम आईडी है वो कॉलम का नाम चेंज करेंगे। पहले हम देखते हैं यहां पर डिस्क्राइब यहाँ पर कॉलम का नाम टीम आईडी है, मैं अभी चेंज करता हूँ। ऑल्टर टेबल मार्केटिंग रीनेम कॉलम टीम आईडी टू आईडी। अभी आप चेंज चेक करके देखो यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हो गया। कॉन्स्टेंट को डिजेबल कर सकते हैं, यू कैन डिजेबल ए कॉन्स्टेंट विदाउट ड्रॉपिंग इट एंड यू हैव टू रिक्रिएट इट। ऑल्टर टेबल टेबल नेम डिजेबल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नेम, फिर जब एनाबल करना है ऑल्टर टेबल टेबल नेम एनाबल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नेम, ये करने से आपका एनाबल हो सकता है कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्लास में आपका जो इंडेक्स पढ़ाएंगे, इंडेक्स कैसे क्रिएट होगा पढ़ाएंगे।